नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है तो आज हम जानेंगे कि अगर आपके हाथ में ज्यादा रेखाएं हैं या फिर ये कहिए कि रेखाओं का ज्यादा बन गया है जहां पर आड़ी टेढ़ी रेखाएं कटी फटी रेखाएं आपस में उलझी हुई हैं तो यहाँ पर ये कैसे आपके जीवन के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं और इनके पीछे का रहस्य क्या है और ऊपर से अगर आप दूसरे हाथ में देखें तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल ही साफ हाथ है सिर्फ इम्पोर्टेंट लाइन से ही हमें नजर आती हैं तो इन दोनों हाथों को हम एनालाइज करेंगे इस वीडियो में और आपको बताएंगे कि रेखाओं का जाला होना और बिल्कुल साफ हाथ होना ये कैसे आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाते हैं और इनके बीच में फर्क क्या है तो शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं आइए शुरू करते हैं शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का जा अगर आप दोनों अकाउंट से फॉलो कीजिए जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम अलग अलग रेखा को एनालाइज करेंगे और हर रेखा के पीछे का रहस्य क्या है और वो कैसे आपके अलग अलग लाइफ के पड़ाव के ऊपर प्रभाव डालती है सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाली है तो आइए जानते हैं सबसे पहले आपके करियर के बारे में अब मान कर चलिए यहाँ पर तीन पॉइंट हैं दोस्तों सबसे पहला है आपका राहू का पॉइंट मतलब राहू का पर्वत अब यहाँ पर मान के चलिए कि इस प्रकार से राहू पर्वत के ऊपर आडी टेढ़ी रेखाएं बनी हुई हैं और दूसरा आपके शनि पर्वत के ऊपर जो कि बनता है मिडिल फिंगर के नीचे यहाँ पर इस प्रकार से आड़ी टेढ़ी रेखाएं बनी हुई हैं और इसी के साथ यहाँ पर आता है दोस्तों सूर्य का पर्वत और सूर्य पर्वत के ऊपर इसी प्रकार से रेखाओं का जाला बन गया है तो इन तीनों ही कंडीशंस में दोस्तों आपके करियर के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट जी हाँ दोस्तों सबसे पहले अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस वालों के बारे में भी है और अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब वालों के बारे में भी है बिज़नेस वालों के बारे में जैसे कि आप इन्वेस्ट तो करते हैं अच्छा खासा आपने पैसा भी लगा दिया कार्य शुरू कर दिया बट उसमें आपको उतना रिटर्न नहीं मिल पाता है या फिर ये कहिए कि जितना आप मेहनत कर रहे हैं जितना आपने पैसा लगाया है उसका आपको पाँच से सात आठ साल बीत जाने के बाद भी उतना फल नहीं मिल पाता है आप स्ट्रगल करते रहते हैं बड़ी मुश्किल से खर्चा निकाल पाते हैं तो आपका पैसा लगाया हुआ आपको मुनाफा नहीं देता है तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं मतलब कि बिजनेस में आपको सफलता मिलने के चांसेस कम नजर आते हैं और अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी इसी प्रकार से जैसे कि आप जॉब के लिए ट्राई तो कर रहे हैं पर वो मिल नहीं पा रही है आप थोड़े से नंबरों से रह जाते हैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं पर वो कार्य ही पोस्टपोन हो गया तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं बट अगर आप जॉब हासिल कर भी ले किसी प्रकार से तो जॉब के बाद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है जितना आप कमाते हैं उससे ज़्यादा तो खर्चा हो जाता है और उधार लेके जो है आपको कार्य चलाना पड़ता है यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं तो रेखाएं जो हैं इस प्रकार से आपकी लाइफ पे इंपैक्ट डालती हैं और इसी के साथ आपको एक और फैक्ट बताना चाहेंगे कि ये आमतौर पे होता ही है और जिनके हाथ में ये रेखाएं होती हैं तो इनके साथ ज़्यादा होता है कि उलझन बनी रहती है क्या करें क्या ना करें और ये करना अच्छा है या फिर वो करना अच्छा है अगर आपने कोई कार्य शुरू कर दिया तो उसके बाद फिर आपका मन बदलता रहता है कि नहीं ये गलत किया या फिर ये कार्य करना ही नहीं था और बाद में जाकर आपको वो जब प्रॉफिट नहीं मिल पाता है या फिर मेहनत का फल नहीं मिल पाता है तो आप उस कार्य को बीच में छोड़ देते हैं और किसी और कार्य को पकड़ लेते हैं तो समय समय पे कार्य को बदलते रहेंगे सोच विचार बदलते रहेंगे इससे जो है सफलता पाने में आपको और भी ज़्यादा समय लग जाता है अब दूसरे हाथ में आते हैं दोस्तों अब इस हाथ में देखिए यहाँ पर आपका जो राहु का पर्वत है वो भी बिल्कुल साफ़ है मतलब कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं जैसे कि भाग्य रेखा और माइंड लाइन और इसी के साथ सूर्य पर्वत पे भी ज़्यादा रेखाएं नहीं हैं सिर्फ दो ही रेखाएं हैं और यहाँ पर जो शनि का पर्वत है वहाँ पर तो कोई रेखा ही नहीं है आपको यही बताना चाहते हैं कि रेखाएँ होने से अच्छा है कि ना हो जी हाँ साफ अगर हाथ है तो यहाँ पर थोड़ा सा समय जरूर लगेगा मतलब पहली बार में नहीं दूसरी बार में नहीं तो तीसरी बार में तो सफलता मिल ही जानी है बट यहाँ पर दोस्तों आपकी लाइफ में शांति बनी रहेगी और जो आपने कार्य शुरू किया है उसमें भी स्टेबिलिटी बनी रहती है जी हाँ आपका कार्य स्टेबल रहेगा और वो लंबे समय के लिए चलता है यहाँ पर दिमाग में कोई ज़्यादा उलझन नहीं रहती है और मन में शांति बनी रहती है और सबसे ज़्यादा जरूरी यही है दोस्तों और सेटिस्फैक्शन ये सबसे बेस्ट है इसके बाद मान के चलिए कि आपके गुरु पर्वत के ऊपर इस प्रकार से जो है आडी टेढ़ी रेखाएं बनी हुई हैं उलझी हुई रेखाएं, रेखाओं का जाला है पर दूसरे हाथ में जैसे कि आप देखेंगे बिल्कुल ही साफ है कोई रेखा ही नहीं है बिल्कुल क्ली तो इन दोनों में क्या फर्क है अब देखिए दोस्तों अगर आपके गुरु पर्वत के ऊपर इस प्रकार से पॉसिबिलिटी बनती है तो आपकी लाइफ में जो है लव मैरिज के चांसेस कम होते हैं और अगर आप किसी को पसंद भी करते हैं तो आपके मन में एक कन्फ्यूज़न रहेगी कि इनके साथ शादी करके आगे लाइफ बढ़ानी चाहिए या फिर नहीं बढ़ानी चाहिए और यहाँ पर दोस्तों इसी चक्कर में आपके हाथ से जो ये मौका है वो निकल जाता है इससे अच्छा ये है दोस्तों कि कोई रेखा ही ना हो और दोस्तों अगर आप लव मैरिज भी नहीं करते हैं तो क्या हुआ अरेंज मैरिज के चांसेस तो कम से कम आपके दिमाग में क्लियर रहेंगे कि हाँ भाई अरेंज मैरिज करेंगे और कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों रेखा ना होना ज़्यादा अच्छा है अब मान के चलिए कि प्रॉपर लव मैरिज लाइन की बात करें तो वो रहती है दोस्तों कि हृदय रेखा अगर आपकी यहाँ पर गुरु गुरुपर्व तक चली जाए तो दोस्तों यहाँ पर लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं प्रेम विवाह का मौका मिल जाता है इसके बाद अब हम जानेंगे दोस्तों मनी के रिलेटेड मतलब कि धन लाभ होगा या फिर नहीं और यहाँ पर पैसे के रिलेटेड दिक्कत कब ठीक होगी या फिर ऐसे ही स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको देखना है दोस्तों अपना शुक्र का पर्वत यहाँ पर अब शुक्र का पर्वत जो है दोस्तों अगर इसके ऊपर खड़ी रेखाएं ज़्यादा होती हैं तो ये पॉजिटिव संकेत दिखाते हैं मतलब कि पैसा आता है और टिकता भी है और बचत भी रहती है मतलब कि पैसे की कमी नहीं होती है और आगे चलकर आप अपने मन चाहिए इच्छाओं को भी पूरी कर पाते हैं जैसे कि गाड़ी लेनी है प्रॉपर्टी लेनी है और ऊपर से आपका जो रिलेशन है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है अपने पार्टनर के साथ घर वालों के साथ और इससे ज़्यादा क्या चाहिए बट अगर रेखाओं का जाला बन जाए इस प्रकार से या फिर जो ये लेटी हुई रेखाएं आपको बना के दिखा रहे हैं ये खड़ी रेखाओं से ज़्यादा हैं तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आपकी जीवन में दिक्कतें आती रहेंगी जी हाँ उतार चढ़ाव रहेंगे और ऊपर से पैसा आएगा टिकेगा नहीं जल्द ही खर्च हो जाएगा आपका जो खर्चीला हाथ रहता है और दोस्तों आपका रिलेशन जो है वो भी ज़्यादा ठीक नहीं रहते हैं अपने घर वालों के साथ और पार्टनर के साथ छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो जाना ग्रह क्लेश रहना इस प्रकार के जो हैं पॉसिबिलिटीज़ हमें बनती हुई नज़र आती हैं तो दोस्तों यहाँ पर खड़ी रेखाएं अच्छी हैं बट इस प्रकार से बना हुआ शुक्र पर्वत के ऊपर जाला आपकी लाइफ में संघर्ष को बढ़ाता है और यहाँ पर दोस्तों पैसे के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम का ज़्यादा सामने करने पड़ते हैं यहाँ पर आपको कर्ज़ा लेके कार्य चलाना पड़ता है और समय पे पैसा ना होने की वजह से आप आपको कर्जा भी नहीं चुका पाते हैं और पैसे के रिलेटेड प्रॉब्लम समय समय पर बढ़ती चली जाती है और दूसरे हाथ भी अगर आए यहाँ पर ना तो खड़ी रेखाएँ ज़्यादा हैं और ना ही लेटी हुई रेखाएँ ज़्यादा हैं जो कि अच्छा है शांति बनी रहेगी चाहे पैसा थोड़ा आएगा बट यहाँ पर इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी और घर में भी शांति बनी रहती है दोस्तों और ऊपर से आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर फिर भी एक पॉसिबिलिटी ये है कि तीस साल की उम्र के बाद सुधार आना शुरू आ जाता है मतलब कि आपकी लाइफ में पैसे की जो बढ़ोतरी है वो होती चली जाती है और यहाँ पर पैसे का आगमन आपकी लाइफ में होने लग जाता है और जैसे कि आप इस हाथ में देख पाते हैं दोस्तों यहाँ पर लगभग सारे पर्वत और सारे पॉइंट्स के ऊपर इस प्रकार से रेखाओं का जाला बना हुआ है तो इसका क्या मतलब रहेगा आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि इनके जीवन में जो है कहीं ना कहीं जाकर ये सारी रेखाएं संघर्ष तो बढ़ाएंगी ही इसी के साथ हेल्थ इश्यूज भी रह सकते हैं दो कंडीशन बनेगी या तो कोई ऐसा रोग रहता है जो आजीवन काल तक जुड़ा रहता है या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी में बनता है दोस्तों कि यहाँ पर 40 साल की उम्र के बाद कहीं जाकर हेल्थ इशू होने शुरू हो जाते हैं और आपकी लाइफ में दोस्तों आपको सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा अदरवाइज़ दोस्तों जो ये सेहत है समय समय पे खराब खराब होगी कभी ठीक होगी इस प्रकार के जो है लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियाँ जहाँ पर आपको बताया कि रेखाओं का जाला और साफ हाथ होने में क्या फर्क है और ये कैसे आपकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे बट अगर अभी भी मन में कोई तो डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पॉमिस्ट्री हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट नहीं होती है मानने वाले मानते हैं इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं बट अगर आपको उनसे विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बहलाक जरूर जो बात नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए मैं सुनूंगा इंटरेस्ट टॉपिक के साथ तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा नमस्कार